आ जरा देख सोफा कैसा दिख रहा है, बता कैसा लग रहा है, सोफा कैसा है? तो अभी ये टेम्पो दिख रहा है, तो अभी ये टेम्पो दिख रहा है आपको, ये इसमें आया है हमारा सोफ़ा, सोफ़ा कम बेड एल शेप वाला, जो कि जाएगा अभी ऊपर। प्रॉब्लम ये है यहाँ से तो कुछ चढ़ता ही नहीं है यार, बहुत छोटी सीढ़ी है हमारी टेरिस के लिए, तो अभी रस्सी डालकर ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो ये सोफे एल शेप वाले तो इतने बड़े हैं, नहीं जाएगा बाइक बीच में। अभी सोफ़ा तो ऊपर चढ़ने से रहा, इसलिए अभी दो हमाल पकड़ने आया हूँ मैं यहाँ पे, जो रस्सी डाल के ऊपर चढ़ाएंगे इसको। अपने बस की बात नहीं है, अपने को पता नहीं है किधर बांधना है, कैसे बांधना है, अगर गिर गया तो नए सोफे की लग जाएगी, इसलिए जो एक्सपर्ट लोग उनको ही बुलाओ, बेटर है। अभी टेंशन नहीं आ रहा, ऊपर से लोग लेंगे, पतरा नहीं नीचे आ जाए एंगल। अभी एक सोफा चढ़ गया, अभी दूसरा बाकी, एल शेप वाला बाकी है इसका, जो लाउंज है ये वाला, बहुत बड़ा है यार मगर लाउंज। तो अभी एक हिस्सा तो आ गया है ये वाला, बट अभी इसका बाकी का लाउंज जो है यहाँ पे आएगा, और नीचे का जो सोफा कम बेड वाला जो हिस्सा है वो इधर आएगा। अभी वो आएगा और यहाँ पर लगेगा इस जगह पर। तो कुछ इस तरह लग रहा है हमारा एल शेप सोफ़ा, तो इतना बड़ा है एक्चुअली, एक दो तीन चार लोग आराम से बैठ सकते हैं, चार के पांच लोग बैठ सकते हैं आराम से। ये एक लाउंज है और ये बाकी सीटर है, और ये वाला जो है ये है सोफ़ा कम बेड, मतलब ये आकर ऊपर उठाएंगे तो ये बेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा 7-8 फीट बन जाएगा भाई, ये तो मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम लोग ने रिमूवेबल इसलिए लिया क्योंकि इसको हटाओगे तो और स्पेस हो जाएगा काउच पर, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कैसा लग रहा है? अच्छा है, वहाँ लेटने का या बैठने का? हाँ वहाँ लेटने का। अभी जरा दीप्ति का रिएक्शन देखते हैं कैसा लग रहा है सोफा उसको। आ जरा देख सोफा कैसा दिख रहा है, बता कैसा लग रहा है? अरे सोफा कैसा लग रहा है बोले, नीचे साफ नहीं किए, ये देख सोफा कैसा है। उधर उधर लेट, उधर लाउंज पे, हाँ लाउंज हो, अच्छा तो लग रहा है, मैंने चूज किया था। लीवर किच किच, अरे बाप रे ताकत, स्टोरेज अंदर, अरे पूरा लकड़ी का भूसा है तो साफ करना पड़ेगा। हाँ तो करना ना बाद में, अभी क्या है, अभी तो अभी लग जाएगी क्या काम पे? नहीं, ये सब हो जाएगा जब, चलो इसमें चद्दर वद्दर आ जाएगी। अभी तक यहाँ लाउंज पे बैठने का और यहाँ टीवी देखने का, ठीक है? ये वाला अपन बाहर रख देंगे, बाहर टेरिस पे। अभी किचन पूरा मेस पड़ा हुआ है, मेन बिकॉज ये जो पाइप दिख रहा है इसका गैस का, वहाँ पे छोटा सा जो छेद है उसके अंदर से जा नहीं रहा है ये पाइप, तो शाम को आके वो चेक करेंगे तार बाद में कि कैसा कर सकते हैं उसका, क्योंकि अभी उसमें जा ही नहीं रहा है तो फिर डालेंगे कैसे, बीच में कुछ तो अटक रहा है। बाकी तो सब सेट है, अभी वहाँ एक कैबिनेट बाकी है आना, तो इसलिए वो गैप लग रहा है। नहीं बाबा वही तो बोल रहा हूँ, पाइप नहीं जा रहा है। अभी अपन मस्त रिमोट लेने का, ऐसा बैठने का और ऐसा टीवी चालू करने का, तो अभी मस्त अपन लाउंज पे ऐसा बैठेंगे, पैर फैलाएंगे और टीवी लेंगे, बस खुद का वीडियो देख के। अरे यार ऐड की बात है यार। अभी सोफे का तो हो गया, अभी इसके बाद लगना बाकी एसी, और एसी वाला भी नीचे आ चुका है, तो अभी एसी वाले को भी ऊपर लेकर आकर एसी लगवाना है। तो एसी वाले भी आ गए, बस अभी ऊपर आएंगे और अपना एसी भी लग जाएगा और अपना टेंशन खत्म। गर्मी का यकीन मानो इतनी गर्मी है, मतलब फ्लैट में तो होती होती थी, यहाँ भी हो रही है, वैसे तो सोचो पीओपी लगाने के बाद भी हो रही है। अभी एसी यहाँ पे लगने वाला है, अभी हो रहा है ड्रिल, इसके बाद में पाइप डालेंगे, फिर सब एसी का काम चालू होगा। अभी एसी लग चुका है, बट अभी इसका कंप्रेसर लगना भी बाकी है और बहुत सारे काम बाकी है, जैसे गैस भरना, अंदर क्या 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 होगा, अभी पाइप लगेगा, इसके पीछे यूनिट लग रहा है ये कंप्रेसर, इसे
इसके पीछे दीवार के पीछे जाएगा जहाँ वॉशिंग मशीन है। कैसे? बस ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है। इसके बाद एसी का काम खत्म, अपन नीचे जाएंगे इफ्तारी करने के लिए, आखिरी इफ्तारी। और इसका ट्रेनिंग चालू है, और ट्रेनिंग करते 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 झपकी मार रही है उसे। मेरी बदनामी करो। कौन सोता है ट्रेनिंग में? और टाइम हो गया आखिरी इफ्तार का, लास्ट इफ्तार है। अभी चांद दिखेगा, चांद रख। ला 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 दे, ला पानी दो। हो गई इफ्तार, लग गया एसी, और भैया मजा आ गया, ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम। कसम से बता रहा हूँ, इतनी गर्मी है आजकल, इतनी गर्मी है, मतलब ऊपर से रोजे में तो और जबरदस्त हालत खराब होती थी। चलो कल से तो पानी तो पी सकते हैं। जो भी एसी लग गया बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा चिल्ड। अभी नींद जरा अच्छी आएगी, वरना दो दिन से हम लोग सिर्फ पसीने पसीने में सो रहे। बेचारा एरेन तो कैसा सो रहा है, 10 बार उठ जाता है उसको, फिर सुलाओ। हमारी भी नींद खराब। अभी देखते हैं हॉल में लगाना है नहीं लगाना है, बिकॉज मोस्टली शायद नहीं लगाएंगे। ये अभी 1-2 महीने की बात है, निकाल लेते हैं। रूम में तो है, आके रूम में बैठ जाएंगे ज्यादा गर्मियों की। तो मैंने एक चीज अभी नोटिस की कि यहाँ पे जब लॉक होता है तो यहाँ लॉक खोलने का है ही नहीं। और ये देखो भाग रही है, खोलना भाई, खोलना। चांद दिख गया लगता, कहाँ दिखा है मेरे को तो दिख नहीं रहा है। चांद मुबारक, चांद मुबारक। हाँ चांद हो गया ना, चांद किधर है? मेरा चांद किधर? चांद तुम्हारा नीचे है। पहली बार तुम्हारा 2-3 साल में पहली बार मैंने ना रियल चांद देखा। दिख गया तेरे को? देखा? ये क्या है? ये रहा चांद, दिख गया। झाड़ों में और बिल्डिंग में दिखता ही नहीं, नहीं दिखता था। चांद रात है, कुछ भी है मेरे को जाना पड़ेगा हार्डवेयर दुकान पे, पहले लेके आना पड़ेगा यहाँ पे पर्दे का। हाँ पाइप लेके आना पड़ेगा जाके, बहुत सारा काम बाकी है भाई। बहुत हंस रही थी ना, इसको बंद कर दिया मैंने। अब इसके पीछे वो मत कर देखो। हाँ बहुत हंस रही थी ना, नाच रही थी, नाच अभी नाच, अभी खोलू खोलू नाच। अभी सबकी चांद रात है, शॉपिंग हो रही है, बाल काले करे जा रहे, कलर कराए जा रहे, बाल काटे जा रहे, दाढ़ी बनाई जा रही है, बहुत कुछ हो रहे जा रहा है, श्रृंगार हुआ जा रहा है। बट हम लोग दोनों यहीं पे ये अपना काम कर रही है और मैं घर का काम कराते जा रहा हूँ। अभी यहाँ ऐसा सिचुएशन है कि अभी इस टाइम पे जितने भी छोटे छोटे काम है ना, जो कर सकता हूँ मैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि कल ईद है, कल नहीं मिलेगा टाइम। तो सबसे पहले तो ये वाला जो अभी तक खिड़की हम लोग की चेंज नहीं हुई है, ये पुरानी वाली कांच है, इसको चेंज करवानी है। बट अभी तक ईद के बाद ही होगा जो भी होगा। जो कर सकते हैं अभी, इसके ऊपर एक पर्दा आएगा, पर्दा लगाने के लिए तो होल्डर लगाने वाले, वो काम है। अंदर बेडरूम में पूरी कांच ट्रांसपेरेंट है तो वहाँ पे भी पर्दा लगा रहे। और काम करने के लिए आए हमारे अताउल्ला इलेक्ट्रिशियन, ऑल द वे फ्रॉम माड़ा। अगर बहुत जबरदस्त, थैंक यू, शुक्रिया। अगर याद रहेगा आपको तो बहुत पहले इनके साथ में वीडियो भी है हमारे वो घर का, जब काम हो रहा था, रनी साहब फैन लगाया था हम लोगों ने, स्मार्ट फैन तब का। अब वो स्मार्ट फैन यहाँ क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज का भुगतान कर लिया है, क्योंकि इरेन ने पूरा रिमोट चबा वबा के फैन को ना खराब कर दिया, तो इसलिए वो फैन लग नहीं पाया यहाँ पे। नॉर्मल हेवेल्स के फैन ही लगा रहे हम। पर्दे का रॉड तो लग चुका है, बस अभी उसमें पर्दा लगेगा। बट इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम, अपने को अपना सिल्वर प्ले बटन लगाना है यहाँ पे इस दीवार पे, ताकि अपन एडिट करते टाइम ऊपर देखे अपने को मोटिवेशन मिलते रहे गोल्ड बटन का। एक और बार इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जरा। ये अपना सिल्वर प्ले बटन, सिल्वर तक गए मतलब गोल्ड इंशाल्लाह जल्दी आएगा। चलो इंशाल्लाह देखते हैं, जल्दी आएगा। इसको यहाँ लगाना है अपने को, इंशाल्लाह बढ़ गया, एकदम परफेक्ट। हाँ एकदम परफेक्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात कर रहे, वाह नाइस। साफ कर दे, फिर साफ सफाई कर दे। तो ये है चांद रात की रौनक। ये मेरे घर के पास मार्केट है, तो देख सकते हो कितनी गर्दी है, जरा देख, गर्दी देख लो। बस जा भी नहीं सकते इधर तो ठीक है, दूसरे साइड तो भाई जाम लगा हुआ है, देखो पूरा ट्रैफिक जाम है इधर तो।
कल इरेन पठानी पहनेगा। हाँ जो लाया ना अब बड़ा अब्बा ने लाया ना वो पहनेगा है ना। बड़े दादा तेरा अब्बा बड़े दादा तेरा दादा है अब्बा। हाँ। इसके अब्बा लगे ना बड़े अब्बा तेरा अब्बा। आज पूरा दिन इरेन नीचे था ऊपर ही नहीं आया। हाँ तो हो गया घर चकाचक और ये सब करते करते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और उसके बाद तक तक आके हम लोग सो गए। सुबह हो गई अभी बस जाकर नमाज पढ़ना है और ईद मनानी है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। शेख फैमिली की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो इस बार इरेन की पहली ईद रहेगी, वो पठानी पहनने वाला है तो ये अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा कि वो कैसा कितना क्यूट लग रहा है। हम लोग ने एक बार ऑलरेडी इसको पहना के देख लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग एंड पीस आउट। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।